तो आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे इस पेंडेमिक की सिचुएशन में। आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके सज्जन दोस्त, सब कुछ सारे ठीक होंगे तो उम्मीद है कि सब लोग अपने घर पे सेफ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस तरह से भी कोई प्लानिंग की जा सकती है या किसी मूवी से इंस्पिरेशन लेकर भी इस तरह से कोई काम किया जा सकता है। काम कौन सा हुआ? एक बैंक डकैती। दोस्तों, इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक डकैती, जिसका इतिहास में कोई भी आज तक रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है, इस बैंक डकैती में 8 करोड़ की रॉबरी हुई। इससे पहले एक बैंक रॉबरी हुई थी जो कि लुधियाना में 1987 में हुई थी और उसमें लगभग पाँच करोड़ की बैंक रॉबरी हुई थी, और वो कहानी किसी और दिन। दोस्तों, केरला के मल्लापुरम ज़िला में एक बैंक रॉबरी होती है और उस बैंक रॉबरी की इंस्पिरेशन जो है वो एक मूवी से मिली जो कि बैंक रॉबर थे। 4 लोग जो कि यंग थे, अभी रिसेंटली पास आउट हुए थे और उनमें एक लेडी शामिल थी। तो जैसे पास आउट होते हैं तो उनका एक ग्रुप होता है, जैसे वो आपस में बैठते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जा सके, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सके। तो ज़ाहिर है कि एक इतनी बड़ी अमाउंट जो कमाई ईमानदारी से तो कमाई नहीं जा सकती है, तो उसको किस तरीके से कमाया जा सके इसकी उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। तो बहुत सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में आए, बहुत सारे उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग उन्होंने की, बहुत कुछ सोचा, कोई भी आइडिया उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो उसी साल एक मूवी रिलीज़ होती है, मूवी का नाम था धूम। बहुत अच्छी मूवी थी, उसकी काफ़ी सीरीज़ भी बनी काफ़ी आगे, मैंने भी देखी है, काफ़ी अच्छी मूवी बनाई थी। पर क्या मूवी से इंस्पायर होकर भी डकैती की जा सकती है? आप इस कहानी में सुनेंगे आगे। तो जैसे ही वो चारों लोग प्लानिंग करते हैं, उनमें में एक लेडी भी शामिल थी, वो प्लानिंग करते हैं कि बैंक में रॉबरी की जाए। तो ये आइडिया सभी को पसंद आता है। तो वेरी नेक्स्ट डे सब लोग आसपास के एरिया की रेकी करनी शुरू कर देते हैं, बहुत घूमते हैं, बहुत सारी बैंक्स देखते हैं कि किस बैंक में रॉबरी की जा सकती है, कौन सी बैंक इजी है जिसमें बैंक रॉबरी की जा सके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सी बैंक ऐसी है जिसमें बहुत सारा सामान हो, बहुत सारा माल हो जो लूटा जा सके। काफ़ी दिनों तक वो रेकी करते रहे, काफ़ी दिनों तक बैंक ढूंढते रहे कौन सी बैंक में रॉबरी की जाए, कौन सी बैंक में डाका डाला जाए। कहीं पे भीड़भाड़ वाला ज़्यादा एरिया था, कहीं पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी, तो कहीं पे एस्केप रूट ऐसा था कि एग्जिट प्लान उनका फिट नहीं बैठ रहा था। तो जैसे ही वो सारी की सारी रेकी करते हैं तो एंड ऑफ द डे उनका ध्यान एक बैंक के ऊपर पड़ता है जिसका नाम था मल्लापुरम ग्रामीण बैंक, और वो बैंक जो थी वो सेकंड फ्लोर पे थी। और जैसे ही उन्होंने उस बैंक को देखा तो वैसे ही उनके दिमाग में क्लिक कर गया कि हाँ, यही बैंक है जिसमें हम रॉबरी करेंगे। और सोने पे सुहागा ये होता है कि वो बैंक जो थी वो सेकंड फ्लोर पे थी, याद रखिएगा, उसके नीचे एक टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। एक सबसे पहले वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था और उस रेस्टोरेंट का एक टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था कि ये रेस्टोरेंट हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहता है, रेस्टोरेंट लेना चाहता है तो उनसे संपर्क कर सकता है। तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिट बैठ रहा था, ये बैंक बिल्कुल फिट बैठ रही थी,
और बिना किसी देरी के उन्होंने उस रेस्टोरेंट के ओनर से संपर्क किया और उसको कहा कि ये रेस्टोरेंट हम बनाएंगे, हम चलाएंगे इसको। तो जैसे ही ओनर ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताई, उसी तरीके से उन्होंने ओनर को हाँ कर दी, तो ओनर भी खुश हो गया और 50,000 उन्होंने एडवांस दिए उस रेस्टोरेंट के ओनर को और वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। तो ये बात जो है, आई थिंक 30 दिसंबर 2007 की, और उन्होंने इस दिन को स्पेशली चुना था इसलिए क्योंकि 1 तारीख को संडे था और उन्होंने देखा कि इस डेट को छुट्टी है और बैंक रॉबरी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट डे है। तो उन्होंने नवंबर 2007 में इसको रेस्टोरेंट को ले लिया। फिर उन्होंने इस रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया, फर्नीचर वगैरह मंगवाते रहे, काम वगैरह चलता रहा और सभी को विश्वास दिलवाते रहे कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बन रहा है और सभी लोग देख रहे थे, आते जाते सब देखते थे, किसी को शक नहीं हुआ। और बैंक के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी कोई शक नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि यहाँ पे पहले भी रेस्टोरेंट था, अभी भी रेस्टोरेंट बन रहा है और उन्हीं की सहूलियत के लिए ये रेस्टोरेंट बन रहा है। बट उनको ये नहीं पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है यहाँ पे, कि दुनिया का, इंडिया का, सॉरी, इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक डकैती का प्लान है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया तो वो अंदर काम चलता रहा, जैसे जैसे सामान आता रहा, लोगों को विश्वास होता रहा और एक दो जन को बुलाकर वो दिखाते भी रहे कि यहाँ पे रेस्टोरेंट बन रहा है, तो लोगों को यकीन आता रहा। कई बार बैंक के एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे आके देखते रहे कि ये जो काम चल रहा है कहाँ तक पहुँचा है। तो बिल्कुल जो उनके प्लान के अकॉर्डिंगली उन्होंने पूरा 1 साल वेट की और काम वगैरह चलाया वहाँ पे। और उस 1 साल के दौरान उन्होंने एक काम और किया, जो सभी बंदे थे जिन्होंने ये प्लान एग्जीक्यूट किया करना था, जो इस प्लान में शामिल थे, उन्होंने बैंक में अपने अकाउंट खुलवाए। बकायदा उन्होंने अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस करनी शुरू की और उन्होंने रेगुलर बेसिस पे जाकर वहाँ पे बैंक की रिकी करनी शुरू की कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम है, कहाँ पे लॉकर्स हैं, कहाँ पे कौन सा रूम है। तो ये सब चीज़ें वो करते रहे। उसके बाद उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया और देखा कि कहाँ कहाँ पे हमें जो सेंध लगानी है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो ये सब कुछ वहाँ पे उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और काम करते रहे। तो जो था, कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती रही, अंदर तोड़फोड़ चलती रही, काम वगैरह चलता रहा और उन्होंने देखा कि अभी जो है टाइम नज़दीक आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन के लिए शटर को बंद कर दिया और एक डेट लगा दी वहाँ पे कि ये जो बन रहा है उसकी डेट थी 30 दिसंबर 2007, 2008, 2008 को उन्होंने इसको बोर्ड लगा दिया कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग की डेट 2008 है। तो जैसे ही उन्होंने आखिरी दिन से 2 4 दिन पहले शटर को बंद कर दिया और अंदर उन्होंने आखिरी कील जब ठोकना था, उन्होंने आखिरी सेंध लगानी थी, आखिरी पत्थर लगाना था, तो वो सारा का सारा सामान अंदर इकट्ठा करके उन्होंने उसको शटर को लॉक लगा दिया और वो उसको उसकी तैयारी में लग गए। 30 दिसंबर 2007 इस डेट को उन्होंने उसको प्लान को एग्जीक्यूट करना था। बैंक में छुट्टी आ जाती है, सैटरडे का दिन बैंक के एम्प्लॉयज़ शटर लगा के चले जाते हैं। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब टाइम आ गया है, तब उन्होंने उस काम को करना शुरू किया। तो छुट्टी का दिन वो लोग अंदर अपना काम कर रहे थे,
उन्होंने पूरे प्लान के अकॉर्डिंगली, पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने वहाँ पे सेन लगाई और सीधा स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर वो दाखिल हो गए। और वहाँ पे उन्होंने देखा काफ़ी लॉकर्स हैं, स्ट्रॉन्ग रूम है और काफ़ी चीज़ें हैं। उनको लॉकर्स को तोड़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग रूम को तोड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें वो पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। और वहाँ पे जैसे ही उन्होंने तोड़ना शुरू किया, सारा कुछ तोड़ते तोड़ते, लॉकर वगैरह तोड़ते तोड़ते, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम का जो वो अलमीरा थी जहाँ पे पैसे वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी बैंक में 80 किलो सोना और 25 लाख कैश ये लेकर वहाँ से फरार हो गए। फरार हो गए इन द सेंस कि उन्होंने देखा कि संडे का दिन है, सैटरडे को वो सारी रात काम करते रहे वहाँ पे, सारी रात डकैती करते रहे वहाँ पे, लूटपाट करते रहे। संडे को अगले दिन वो शाम को वहाँ से निकल जाते। अगले दिन जैसे ब्रांच का स्टाफ आता है, स्ट्रॉन्ग रूम खोलता है, तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। देखते ही उन्होंने पुलिस को फ़ोन घुमाया, पुलिस को जैसे फ़ोन घुमाया पुलिस आती है, फ़ौरन पुलिस वहाँ पे आके मुआयना करती है कि क्या हुआ है यहाँ पे। जब उन्होंने वहाँ पे आके देखा तो देखा कि नीचे रेस्टोरेंट से यहाँ पे रॉबरी की जा चुकी है। और उन्होंने फिर सबसे पहले जहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ था रेस्टोरेंट के ओनर से संपर्क किया, तो ओनर ने जो भी आईडीज़ वगैरह उनकी थी वो सारी दिखाई, तो जाहिर है कि वो सब कुछ फर्जी निकला, नाम, फ़ोन नंबर, सारा कुछ फर्जी निकला। और एक सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जैसे पुलिस आती है तो वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ था जय मोह, जय माओ, माओ जैसे शॉर्ट फॉर्म, माओवादी का शॉर्ट फॉर्म। तो देखते ही पुलिस को लगा कि ये नक्सलियों का काम है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फेमस है कि नक्सलियों को जब भी हथियार वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही तो पैसे नहीं होते उनके पास, तो देखते हैं कि कौन सी बैंक लूटी जाए, तो वो फिर बैंक को लूटना शुरू करते हैं। तो इस तरह से लूटपाट वहाँ पे की जाती है। पहले भी बहुत सारी बैंकों में ऐसे रॉबरी हुई है, पर ये इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी। तो पुलिस का दिमाग चकरा जाता है उसको देखकर, तो नाम भी फर्जी निकलते हैं, सब कुछ फर्जी निकलता है। फिर उसके बाद पुलिस अपना प्लान तैयार करती है। तो इस बीच क्या होता है कि पुलिस को काफ़ी फर्जी कॉल्स आती हैं कि कुछ बंदे यहाँ पे छुपे हुए हैं, यहाँ पे किसी को उन्होंने देखा है। और एक कॉल आती है पुलिस को कि एक बंदे को होटल में पाया गया है और वहाँ पे उन्होंने एक नक्सली को देखा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो उन्होंने वहाँ पे छापामारी की, तो देखा कि सच में वहाँ पे एक किलो सोना बरामद होता है। तो ये सब चीज़ें जो थी पुलिस को घुमाने के लिए की जा रही थी। तो फिर पुलिस ने देखा कि ये सब जो है ये उनको घुमाने के लिए किया जा रहा है। तो फिर पुलिस ने क्या किया, उन्होंने साइबर सेल की मदद ली। साइबर सेल की मदद से उन्होंने देखा, उन्होंने प्लान तैयार किया कि उस जगह पे, उस टावर के नज़दीक कौन कौन से नंबर जो हैं वो एक्टिव हैं, एक्टिव थे उस रात को, स्पेशली 31 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक। तो उस दिन, उस पर्टिकुलर टाइम पे 25 लाख नंबर जो थे वहाँ पे एक्टिव थे। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम था, पर पुलिस ने काफ़ी लोगों की मदद ली, काफ़ी साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेल वालों की मदद ली। और फिर उसके बाद उन्होंने एक एक नंबर को खंगालना शुरू किया। जैसे ही वो नंबर खंगालते हैं तो 24,99,999 नंबर जो थे वो बिल्कुल सही पाए गए। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन पे पुलिस को शक था और उनके पास भी गए पुलिस वाले, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और
सिर्फ एक नंबर के बजाय, एक नंबर के सिवाय। वो एक नंबर था, वो कोझीकोड में एक जोसेफ नाम के बंदे का था। और फिर पुलिस उस जोसेफ के पास जाती है, जोसेफ के पास जाती है और वहाँ पे जाके उसको पकड़ती है। और जब जोसेफ को पकड़ती है तो जोसेफ से पूछताछ करती है, तो उसके बाद फिर जोसेफ टूट जाता है। फिर जोसेफ के जरिए बाकी तीनों का भी पता लगाया जाता है, बाकी तीनों को भी हिरासत में लिया जाता है। और उसके बाद फिर उनसे जब रिमांड में लिया तो उसके बाद सब लोगों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस डकैती की, रॉबरी की प्लानिंग की, कि कैसे एक मूवी से उन्होंने इंस्पिरेशन ली, मूवी से उन्होंने इस रॉबरी को, रॉबरी के प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो फिर उसके बाद मामला जो था वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने उनको सबको 10-10 साल की सज़ा सुनाई। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। धीरे धीरे केस जो था वो लंबा चलता रहा, 5 साल तक ऐसे केस चलता रहा। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने भी वो जो तीन लड़के थे उनको 10 साल, 10-10 साल की सज़ा सुनाई, और वो जो लेडी थी उसको 5 साल की सज़ा सुनाई। और जो लेडी थी वो पहले ही 5 साल की सज़ा कंप्लीट कर चुकी थी, तो उसको फिर रिहा कर दिया गया। और बाकी सब जो हैं वो अभी जेल में ही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन दी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो भी पेंडिंग है। तो ये थी एक ऐसी बैंक रोबरी जिसकी इंस्पिरेशन एक मूवी से मिली, किस तरह से उन्होंने पुलिस को घुमाया, किस तरह से उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट किया, कैसे कैसे उन्होंने इस बैंक की रॉबरी को अंजाम दिया। और कोई भी चोर हो, कोई भी डकैत हो, किसी भी तरह की चोरी हो, आज तक के रिकॉर्ड में मोस्ट ऑफ द थीव्स जो हैं, रॉबर्स जो हैं, वो पकड़े ही जाते हैं। क्योंकि कोई भी चोर कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और इन्होंने भी कुछ सुराग छोड़े थे, जैसे कुछ चप्पल की जोड़ी मिली थी, कुछ ब्लेड्स मिले थे, कुछ डेटोनेटर्स मिले थे, जैसे जिससे स्ट्रॉन्ग रूम को तोड़ा जा सके। और काफ़ी लोगों ने जैसे उनको देखा भी था तो उनके स्केचेस वगैरह बनवाए थे। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो थी, जिन जिन चीज़ों ने पुलिस की मदद की। और ये थी एक नायाब कहानी जो कि इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रोबरी की कहानी है। और जिस रोबरी की पंजाब के लुधियाना में रोबरी हुई थी, उस जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे थे, जैसे विस्तार में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। वहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ी ब्रांच थी वो लुधियाना की। तो वहाँ पे वो लोग जब एंटर किए तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रांच खुलने से पहले ही वहाँ पे ब्रांच के अंदर एंटर कर गए, क्योंकि वहाँ पे जो स्वीपर था वो पहले पहुँच चुका था। तो पहले एंटर कर गए और उन्होंने फिर जैसे 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 स्टाफ आता गया सबको नीचे बिठाते गए, जैसे जैसे स्टाफ आता गया, कस्टमर आते गए, सबको नीचे बिठाते गए। और उनको ये बोला कि ऊपर से इंस्पेक्शन आई है, इसीलिए आप सब लोगों की अब चेकिंग होगी। तो जैसे जैसे सब लोग, अब उन्होंने देखा कि अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो उन्होंने फिर अंदर से लॉक लगा दिया। और फिर जैसे उन्होंने कैशियर को, जो था हेड कैशियर था, उसको कैश रूम में लेके गए, वहाँ से कैश उठाया। और फिर उन्होंने एक्चुअली वो एक ट्रक लेके आए थे, ट्रक में उन्होंने रज़ाइयाँ वगैरह रखी हुई थी, तकिए वगैरह रखे हुए थे। उन्होंने सारा कैश जो था उसमें लाद के, उसमें डाल के, तकियों में डाल के, रजाइयों में डाल के, वो सारा कैश वहाँ से लेकर चले गए। और बस पता ही नहीं चला कि किस तरह से वो वहाँ से पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। तो इस कहानी के बारे में नेक्स्ट टाइम आपको बताऊँगा। तो तब के लिए खुश रहिए, ठीक रहिए, अपने आप को कोविड से सेफ रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। गुड बाय।